हाँ जी, कैसे हो भाई? ऊपर सारे राम राम जी। हम भी स्टार्टिंग कर रहे थे ब्लॉगिंग की, तो सबको देख के मगर चलो एक आधा हम भी ट्राई करते हैं। अभी हम खड़े हैं अपने जुगाड़ा में पेट्रोल पंप के पास, तो ये रहा पेट्रोल पंप, ठीक है। और हम जा रहे हैं इस टाइम कमरू नाग, आज डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो आज रात को सफ़र करेंगे, ताकि ये है कि सुबह 4 बजे भोलेनाथ के दर्शन करके बढ़िया हो जाए। जी, हम पहुंच गए लेंस वाले के पेट्रोल पंप पर, और अभी अपने बाकी भाइयों से आगे ही हैं। वो सारे अभी पीछे हमसे आ रहे हैं धीरे धीरे। हम भी वैसे स्लो स्लो चल रहे थे, तो हम घाघर से आगे आ चुके हैं। तो ये रहा लेंस का पंप, जहाँ से हमने ऑयल वगैरह डलवाना है। तो फिर उसके बाद राइड करेंगे स्टार्ट। और ये रही हमारी PV08। बाकी चलते चलते आपको सारा व्यू दिखाएंगे, जहाँ तक दिखा पाएंगे। और वैसे भी अभी रात हो रखी है ना, तो रोड का व्यू आपको पता ही है, नहीं हो पाएगा, पर फिर भी जहाँ तक हो हाँ जी सके। भाइयों, तो हमारे भाई सारे पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे आके, और सारे अपने अपनी बाइकों में तेल डलवा रहे हैं। और देखो, ये हमारे भाई साथ वाले सारे अपने अपनी बाइक की टंकी वगैरह फुल करवा रहे हैं, कि ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी उस रोड पे थोड़े पेट्रोल पंप वगैरह की इश्यूज बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं अभी जाके, क्यों मेरा फर्स्ट टाइम ही है, जाके पता लगेगा कैसा है क्या नहीं है। चलो ठीक है भाइयों, फिर निकलते हैं हम तब तक, और जहाँ आगे रुकेंगे वहाँ का व्यू वगैरह आपको चेक करवाऊँगा। और भाई अपने हो गए स्टार्ट सारे चलने के लिए। हाँ जी भाइयों, हम पहुँच चुके हैं रोहांडा से पीछे। तो वो यहाँ पे लंगर चल रहा है, और ये देखो इतने सारे भाई जितने भी है रात के आए हुए हैं, तो सारे इस टाइम लंगर खा रहे हैं। और रात के तो अब खाना वगैरह हो चुका है हमारा, अब हमारे चाय पीने के लिए। चाय का भी लंगर लगा हुआ, आप देख तो काफ़ी लोग है ना, हर चीज़। तो अब बढ़िया सी चाय पी के, ताकि हम ट्रैकिंग कर पाए। कम से कम नहीं 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो फिर और टाइम भी आपको पता है, इस टाइम 3 या 2 बजे के आसपास नींद इतनी लगती है ना कि हद से ज़्यादा लगती है। तो चाय पी के ये है कि ये टेंशन नहीं होने की, कोई नहीं, आराम से हम चढ़ाई चढ़ेंगे। बाकी बोलो बम जय भोलेनाथ। भाइयों, तो अभी रात के 3:30 हो रहे हैं, और ये देखो बिल्कुल अंधेरा है, सुनसान रात, सारी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, है ना। काफ़ी दूर से कम नहीं, हम 2 किलोमीटर पैदल पैदल चल चुके हैं। और अभी आपके सामने देखो, मैं टॉर्च से आपको दिखा रहा हूँ रूट वगैरह, बाकी मॉर्निंग में आपको थोड़ा बढ़िया से दिखाऊंगा ऐसे। तो ये है कि बाबा भोले के गाने चल रहे हैं, बोल बम करते जा रहे हैं, जो सारा है चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। तो हम कम से कम नहीं अभी 3 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। और ये देखो अपने सारे भाई बैठे हुए हैं, दिखाना भाई इनकी तरफ, अपने भाई बैठे हुए सारे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। पर ऐसे और भाइयों हालत खराब है, पैदल चढ़ चढ़ के। बाकी आपको ऊपर दिखाते हैं भवन में पहुंच के। जी भाइयों, तो रह गया मंदिर अपना 1 किलोमीटर सारा ही, और आपके सामने है 5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। इसके बाद जैसे बोलते हैं ना, हाथ खड़े हो चुके हैं, लेटे पड़े हैं जंगल में, सबको देख रहे हो आप, है ना। ये हाल रखा है इस टाइम सबका, वो बोलते हैं ना सांस पूरी पंप कर रही है, बुरा हाल है। चलो बाबा जी के पास पहुंचने वाले हैं मंदिर में, थोड़ा टाइम और मॉर्निंग हो चुकी है। पूरी नाइट पहले ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद चढ़ाई। चलो बाबा जी ने बुलाया था, पहुंच गए मंदिर, चढ़ाई थोड़ा सा रह गया, बहुत कुछ हुआ बोल पीछे। और रास्ते में थोड़ा माहौल चाल ऐसा ही था, कभी टेम्परेचर हाई कभी लो, थोड़ा सा मिक्स करके चलना पड़ता है ना। चलो फिर भाइयों, ऊपर मिलते हैं, अब मंदिर में जाके दर्शन करवाते हैं आपको टॉप फ्लोर पे भी। ओके हाँ जी भाइयों, ट्रैकिंग हो रही है बैक पीठ पे,
और आप देख ही सकते हो कैसे रोड है। वो अपने भाई दो पीछे आ रहे हैं और ये देखो ट्रैकिंग चली हुई है अपनी, अल्टीमेट ट्रैकिंग है। जो ना आया हो ना उसके लिए जन्नत ही है ये। बाकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपना अपना देखना होता है, बट हमें तो जो ये जगह लगी ना अल्टीमेट। अब यहाँ से अब आप ये देख सकते हो, आप ये देख सकते हो लिखा हुआ सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ से बहुत कम है पौड़ियाँ स्टार्ट, और हम जा रहे हैं पौड़ियों पे। यहाँ से 600 मीटर या 700 मीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। तो चलो साथ साथ चलते हैं भाइयों, इतना चल सकते हैं। वैसे इनकम तो अपनी भी ख़त्म हो रखी है, एनर्जी डाउन है, एनर्जी बिल्कुल डाउन है, पर फिर भी चलो बोल बम करते चलो, चढ़ाई चढ़ते चलो। ठीक है, हाँ जी भी राम पहुँच चुके हैं और मॉर्निंग टाइम की चाय पी रहे हैं, लंगर लगे हुए आपके सामने पीछे देख सकते हो आप। और ये रहा कमरनाग जी का टेम्पल, जो मैं आपको अपने फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये वो झील है जिसमें बोलते हैं पता नहीं कितना सोने वगैरह बहुत कुछ है इसमें, बट आज तक कोई देख नहीं पाया। तो ये हमारे कमरू नाग देवता जी का मंदिर, बहुत प्यारा प्लेस है। तो जो भी भाइयों नहीं आया होगा ना और ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो प्लीज़ वह ट्राई करना, अल्टीमेट ट्रैकिंग और अल्टीमेट लोकेशन है, सिर्फ बेटर लोकेशन है, गजब चीज़ से बोलते हैं। सारे भाई अपने चाय वगैरह पीते हुए देख सकते हो आप, लंगर लगे हुए हर जगह, ये नहीं कि एक या दो, ये आप हर जगह लंगर लगे हुए, खाना पीना हर चीज़। मतलब 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद लोग सामान ऊपर ला के लंगर लगाना एक अपने आप में ना बहुत बड़ी बात होती है, जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो चलो बाकी आपको थोड़े पास जाके अगर फ़ोन अलाउ हुआ तो मैं आपको दर्शन करवा दूँगा, अगर ना हुआ भाइयों तो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी चलो देखते हैं क्या बनता है। ओके बने रहिए आप फिर, तब तक हम भी चाय पी लेते हैं। हाँ जी भाइयों, तो ये रहा मंदिर, फ़ोन अलाउड था बट ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको इतना क्लोज ही नहीं जा सकता, बट ये है भवन देवता जी का। और जो ये ऊपर आप कर रहे हो यहाँ पे किसी टाइप बली दी जाती थी, और हमने मत्था वगैरह टेक लिया हुआ है और ये अपने भाई पीछे सेल्फी वगैरह लेते हुए। चलो आपको रास्ता दिखाया जाएगा वापसी का। चलो सारे बोलो जय बम बोल बम जी भाइयों। तो अब झील का एक राउंड, जो नंगे पांव यहाँ की मान्यता है कि दर्शन करने के बाद एक राउंड जरूरी होता है, तो हम वही ले रहे हैं अभी। और बाकी आप खुद ही देख रहे हो, हर चीज़ दिखाई जा रही है आपको। भाई बैठे अपने हाँ जी भाइयों, तो आप देख सकते हो क्यों पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, हम नीचे जा रहे हैं। तो आ जाओ चलते हैं और जैकेट वगैरह भी पहन रखिए। जी तो आप देख सकते हो पीछे सामान लेके कैसे ऊपर घोड़े वगैरह सामान ढोया जाता है, कितना डिफिकल्ट होता है 6-7 किलोमीटर पे हर सामान ले जाना, वहाँ जाके लंगर की व्यवस्था करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। सुबह के 7:15 हो चुके हैं और
आप देख ही सकते हो ऊपर से जितने भी श्रद्धालु आते हुए वापसी में। बाकी लोकेशन तो मैं आपको चेक करवा ही रहा हूँ। अदर स्टेट के अपने जितने भी भाई है मनाली शिमला जाते हो कभी यहाँ आके देखना, जब जन्नत बोलते हो ना वो दिखेगी। अब उसके बाद हम शिकारी टेंपल भी जा रहे हैं, वहाँ की लोकेशन तो जहाँ तक सुना है कि इससे भी गजब है। बाकी अपने भाई वो रहे हारे धीरे धीरे। एक्चुअली मैं वीडियो के चक्कर में थोड़ा तेज आ गया था नीचे। बाकी अपने जितने भाई हैं सारे स्लो आ रहे हैं धीरे धीरे ना। भाई दादी जी को देख लो, चला नहीं जा रहा है फिर भी दर्शन होते भोले बाबा की कृपा, जिसको बुलाते हैं उसे बुला ही लेते हैं अपने पास। बच्चे देख लो खुद आ रहे हैं अपने आप चल के, चेहरे पे खुशी कोई ये नहीं कि हाँ इतना चल के गए हैं तब कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, कोई नहीं। सारे ही बड़े खुश होके आते हैं, ऊपर से दर्शन करते हैं, सनराइज हो रहा है, नज़ारा देख लो आप खुद ही। थोड़ा बादलों के पीछे चले गए सन देवता, लेकिन थोड़ी देर में आने वाले हैं। देखो भाई लंगर लगा हुआ है जहाँ हम रात को डांस वगैरह करके गए थे, यहाँ से दिखा सकते हैं कीड़े वगैरह आके चल रही है मालपुड़े जिनको यहाँ पे बोलते हमारे अपने भाई। लंगर वाले चाय वगैरह हर चीज़ चल रही है भाई। चलो भाइयों चाय पी के चलते हैं, थैंक यू। चलो फिर आ गई हमारे हाथ में चाय, अब चाय पी के चलेंगे हम आगे, ठीक है। काफ़ी सफ़र है तो भाइयों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। दोस्तों भागते भागते आना पड़ रहा है, तभी ये कैमरा भी थोड़ा अप डाउन जा रहा है। और लो बच्चे का गिर गया खिलौना नीचे, लो आ देखो छोटी सी बेबी अपने पापा की पर बैठ के आ रही है नीचे। ये होती है भगवान की, जिसको दर्शन करने को करेगा ही करेगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे फिर मैं आपको दिखा रहा था ऊपर से सारी लोकेशन वगैरह हर चीज़ रास्ता आते जाते श्रद्धालु, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ब्लॉग है हमारा ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक देखते रहो एंजॉय करो घर बैठे, और बाबा जी का आशीर्वाद लो भोलेनाथ का। हमने तो दर्शन वगैरह कर लिए, चलो जब भी आप पे कृपा होगी तो आप भी आना।